फ्लेम्स क्या होते हैं क्यों आते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है सो so, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ़ में थोड़ा सा बताऊंगी। बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम आखिर होते क्या हैं और ट्विन फ्लेम की जर्नी क्या होती है सो so, मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ़ में समझाने की कोशिश करती हूँ कि ट्विन फ्लेम एक्चुअल में है क्या हम सभी एक फ्लेम है वी ऑल आर सोल्स हम सभी एक सोल है हमारी बॉडी के अंदर एक सोल है और ये सभी सोल इस अर्थ पे किसी मिशन से आई हैं कुछ काम को करने के लिए आई हैं ट्विन फ्लेम्स क्या होती हैं ट्विन फ्लेम होता है एक ही सोल होता है अगर जो ये वाइट लाइट आपको नजर आ रही है ये एक सोल है तो एक ही सोल एक सिंगल सोल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है एक सोल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसे हम नहीं करते हैं उसे यूनिवर्स करता है उसे वो डिवाइन करता है और टू पार्ट्स में डिवाइड करके एक सोल को टू पार्ट्स में डिवाइड करके इसे अलग अलग बॉडी में बॉडी वन बॉडी टू में डालकर इस अर्थ पे भेजा जाता है मतलब हम सभी के बॉडी में एक सिंगल सोल है लेकिन ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम में क्या होता है एक ही सोल के दो पार्ट करके उन्हें अलग अलग बॉडी में भेजा जाता है ये सोल कोई आम सोल नहीं होती ये काफ़ी ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक सोल होती है इसके पीछे कोई मिशन होता है कोई बड़ा काम होता है इसलिए ऐसा किया जाता है अगर मैं आपको इसे एक और डायग्राम से समझाऊं, तो अगर हमारी सोल ये बटरफ्लाई हमारी एक कंप्लीट फ्लेम है कंप्लीट सोल है तो इसके दो पीस किए जाते हैं एक सोल को किसी और बॉडी में भेजा जाता है एक सोल को किसी और बॉडी में भेजा जाता है इनको हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने के लिए है कि जो ये ट्विन फ्लेम्स होते हैं अब इसे दो बॉडी में भेजा गया तो बॉडी वन एंड बॉडी टू ये दोनों बॉडी मेल की भी हो सकती हैं दोनों ही मेल की हो सकती हैं दोनों ही बॉडी फीमेल की हो सकती हैं एक बॉडी मेल की और एक फ़ीमेल की मतलब ये सभी कंडीशंस हो सकती हैं ज़रूरी नहीं है जो ट्विन है जो ट्विन फ्लेम है वो सेम ही जेंडर में हो डिफरेंट जेंडर में भी हो सकता है इसके अलावा जो ये ट्विन फ्लेम्स होती हैं इनको जब अर्थ पे भेजा जाता है एक ही फ्लेम को दो पार्ट्स में दो बॉडी में तो ज़रूरी नहीं है सेम टाइम पे भेजा जाए हो सकता है एक का बर्थ अभी हुआ है और एक का बर्थ अगले 20 साल बाद हो या एक 30 साल पहले आ चुका है मतलब एज डिफरेंस भी हो सकता है तो ये होती हैं ट्विन फ्लेम्स आई होप आप लोग ट्विन फ्लेम्स को समझ गए हों अब आखिर ऐसा किया क्यों जाता है ये डिवाइन इस अर्थ पे ट्विन फ्लेम्स को भेजता क्यों है और वो कपल्स में होते हैं तो ये अर्थ पे क्यों आते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है जो ट्विन फ्लेम को धरती पर भेजा जाता है उसका मेन रीज़न है कि उन्हें कोई बड़ा मिशन इस सोसाइटी में कुछ चेंज लाना होता है कुछ बड़े मिशन को पूरा करना होता है इसलिए उन्हें टू डिफरेंट बॉडीज में भेजा जाता है जिससे वो अपने काम को पूरा कर सकें और यहाँ पे जो ट्विंस होते हैं वो एक दूसरे को इसमें से एक दूसरे को एक जो ट्विन होता है वो दूसरे को ट्रिगर करता है और अपने काम को पूरा करते हैं तो इससे कुछ ना कुछ सोसाइटी में चेंज लाना होता है सोसाइटी में कोई ऐसी विचारधारा चल रही हो कुछ ऐसी चीज़ें हो जिसे हटाने की ज़रूरत है कुछ सोसाइटी वेलफेयर के लिए इन्हें कुछ ना कुछ बड़ा करना होता है इसीलिए इन्हें भेजा जाता है और ट्विन फ्लेम के पीछे यहाँ पे आने के बाद ट्विन फ्लेम की अगर हम मैं बात करूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाएं कहीं हम तो ट्विन फ्लेम्स नहीं तो ट्विन फ्लेम पूरे अर्थ पे केवल एक से वन टू टू परसेंट केवल एक से दो ही परसेंट पूरी धरती पे पूरी धरा पे केवल एक से दो परसेंट ही ट्विन फ्लेम पाए जाते हैं यानी बहुत कम लोग होते हैं जो ट्विन होते हैं और वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं उनको एक मकसद से धरती पे भेजा जाता है और उनके उनका जब मकसद पूरा होता है तो वो चले जाते हैं उनको कुछ चेंज लाना होता है इस यूनिवर्स में कुछ चेंज लाना होता है कुछ ऐसा काम करना होता है जिसकी वजह से उन्हें दो बॉडी में भेजा जाता है इसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है तो ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है जब ये ट्विन होते हैं ये ट्विन फ्लेम्स होती हैं दो सोल होते हैं एक्चुअल में ये दोनों मिलकर एक ही सोल होता है और इनका यूनियन जब होता है तो वो फाइव डी में होता है इनका यूनियन होता है फाइव डी में दैट मीन इस थ्री डी वर्ल्ड में इनका यूनियन बहुत ही कम पॉसिबल होता है इनका यूनियन फाइव डी में होता है और जब इनका यूनियन होता है तो हाईली एक्सेस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है इनको एक जर्नी से गुजरना पड़ता है जिसमें कई स्टेजेस होते हैं ठीक है अलग अलग चरण होते हैं जिससे इनको होके गुजरना पड़ता है जिसको हम ट्विन फ्लेम जर्नी बोलते हैं यहाँ पे इसमें कुछ स्टेजेस हैं जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन ठीक है इनका जब यूनियन सेपरेशन कुछ फेजेस होते हैं जिनसे इनको गुजरना होता है इसका अगर हम पहचान बताएं तो जब ट्विन फ्लेम जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो एक दूसरे को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उनको पता चल जाता है कि ये मेरा सोल कनेक्शन पार्टनर है इसके साथ मेरा सोल कनेक्शन है इन दोनों को जब ये सामने आते हैं तो ऐसा फील होता है कि ये मेरे को मिरर कर रहा है बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है क्यों क्योंकि जैसे आपकी बॉडी का कोई पार्ट ही हो ऐसा महसूस होगा जैसे आपका हाथ आपकी बॉडी से अलग नहीं है वैसे ही जब ट्विन फ्लेम साथ में आते हैं तो उन्हें कंप्लीसन की फीलिंग आती है एक्चुअल में वो दोनों सोल मिलकर ही एक कंप्लीट सोल बना पाते हैं इसलिए उन्हें वो कंप्लीशन की फीलिंग मिल जाती है इसके अलावा कई बार ट्विन में ईगो भी आता है क्योंकि दोनों में ही हाईली एनर्जेटिक है इसलिए इनके बीच में ईगो क्लैश भी आता है सेपरेशन होता है दैट मीन इन दोनों में से ये दोनों साथ में आते हैं फिर सेपरेशन होता है इनको सेपरेशन से लंबे सेपरेशन से और कई तरह के पेन से गुजरना पड़ता है अलग होना पड़ता है और कम कई बार ऐसा होता है कि दो बार या तीन बार भी इनका सेपरेशन होता है ये अलग होते हैं फिर साथ आते हैं इसके अलावा एक और पहचान है इसमें से एक रनर होता है एक चेजर होता है एक हमेशा भागने की कोशिश करता है सिचुएशन से और दूसरा उसे चेज करने की कोशिश करता है एक पार्टनर हमेशा ट्रिगर करता है तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं स्टेप्स हैं जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं आई होप आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो टॉपिक है एक शॉर्ट में समझ में आ गया हो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं हम ट्विन फ्लेम तो नहीं तो आप लोग जरूरी नहीं है ट्विन फ्लेम हो ट्विन फ्लेम पूरी अर्थ पे केवल टू परसेंट हैं आप लोग सोलमेट्स हो सकते हैं सोल फैमिली के हो सकते हैं या आपका कार्मिक रिलेशन हो सकता है क्योंकि उसके कुछ कुछ फ़ीचर इससे मिलते हैं इसलिए लोग कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कहीं हम ट्विन फ्लेम तो नहीं क्योंकि ट्विन फ्लेम का धरती पर यूनियन बहुत कम होता है केवल टू लोग ही ट्विन होते हैं और उनमें से भी बहुत कम लोगों का ही यूनियन इस थ्री वर्ल्ड में हो पाता है और जिनका यूनियन होता है तो हाईली एक्सेस ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उनकी संतान कोई आम बच्चा नहीं होता है ठीक है और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों का यूनियन हो पाता है फाइव वर्ल्ड में ही यूनियन पॉसिबल होता है आई होप आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ पाए हों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना बहुत ध्यान रखें